सुजानगढ़ में रेलवे फाटक संख्या 4 के पास रेलवे ट्रैक के बीच एक युवक का शव व घायल युवती मिलने के मामले में मृतक के पिता पप्पूराम प्रजापत निवासी वार्ड नंबर 32 सुजानगढ़ ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया है कि मेरा पुत्र डालमचंद उर्फ मनोज उम्र 23 साल चेन्नई करीब 2.5-3 माह से गया हुआ था। शनिवार को सुबह पता चला कि चांदबास रेल फाटक के पास एक लड़का एक लड़की ट्रेन के आगे आए हैं जिससे लड़के की मौत हो गई है जबकि लड़की बेहोश है। परिवार ने बताया है कि मैंने अस्पताल जाकर देखा तो मोर्चरी में पाया कि मेरे लड़के की ट्रेन की टक्कर से मौत हो चुकी थी। सीआई किशन सिंह ने बताया है कि लड़की की पहचान आयशा निवासी सुजानगढ़ के रूप में हुई है जिसका इलाज जारी है जबकि पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। सीआई ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला ही लगता है। नया बास स्थित त्रिशला पब्लिक स्कूल द्वारा सत्र 2021-22 में संचालित होने वाले त्रिशला शिक्षित कन्या योजना का शुभारंभ शनिवार को जय निवास पर विधायक मनोज मेघवाल ने किया है। स्कूल के निदेशक आनंद सिंह ने बताया कि योजना के तहत विधायक मनोज मेघवाल की प्रेरणा से विद्यालय प्रशासन द्वारा बालिकाओं को मात्र 1 रुपये के वार्षिक शुल्क में पढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भरसक प्रयास किए जाने हैं लेकिन निजी क्षेत्र में बालिका शिक्षा निःशुल्क करने की पहल त्रिशला पब्लिक स्कूल ने की है वह अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। अन्य स्कूलों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं विद्यालय के निदेशक आनंद सिंह शेखावत ने बताया कि विद्यालय प्रशासन ने विधायक मनोज मेघवाल की प्रेरणा से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है क्योंकि कोरोना काल के कारण अभिभावकों की पहले ही आर्थिक स्थिति कमजोर है। कार्यक्रम में गोपालपुरा सरपंच सविता राठी विद्यालय प्रधानाचार्या श्रीमती जुगल कंवर वीरेंद्र ओड़ा अंजनी शर्मा सत्यनारायण स्वामी पार्षद सोनिका शर्मा दिनेश पिपड़ा आदि लोग मौजूद रहे। अच्छा सराहनीय प्रयास है त्रिशला ग्रुप का और स्कूल का त्रिशला जो स्कूल है अभी तक सरकार बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रही थी चाहे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने या सिर्फ बालिका स्कूल खोलने की तरफ और सरकार पूरी निःशुल्क बालिका शिक्षा है वो आप लोगों को सबको हमको पता ही हो पर निजी क्षेत्र भी पहली बार आगे आया है ये बहुत ही अच्छी बात हुई है। उन्होंने भी बालिका शिक्षा को पूरी तरह से निःशुल्क रख के और अपनी तरफ से एक पहल की है। आने वाले समय में और भी स्कूल्स और भी निजी क्षेत्र है के जो विद्यालय हैं इस तरफ उनका भी ध्यान जाएगा वो भी प्रेरणा लेंगे। बहुत प्रेरणादायक काम आज इन्होंने त्रिशला ग्रुप ने किया है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे त्रिशला पब्लिक स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं आनंद जी उनका क्योंकि उन्होंने पहल की है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। ये कोरोना काल चल रहा है इसके अंदर सब अव्यवस्था सब गड़बड़ा रही है जिनके काम धंधे हैं वो सब भी रुके हुए हैं इसको देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। सुजानगढ़ के जो विधायक हैं श्री मनोज जी मेघवाल उनकी प्रेरणा से इस साल हमने गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान रखा है। ये फ्री एजुकेशन जो है वो कई चरणों में जाके पूरा होगा। इस वक्त जो है फर्स्ट फेज के अंदर हम जो है ये कई क्लासें इसके अंदर फ्री करने जा रहे हैं जिनसे गर्ल्स से जो है वो 1 रुपया सालाना का नाम मात्र का शुल्क लिया जा रहा है ताकि आत्मस्वाभिमान भी बना रहे और उनकी शिक्षा भी आगे बढ़ती रहे। कोरोना काल में जैसा कि हम जानते हैं सभी अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और इससे कहीं ना कहीं मुझे और हमारी संस्था को ऐसा लगता है कि बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हो सकती है और इसी को रोकने के लिए हमने ये जो स्कीम है वो लॉन्च की है ये योजना लॉन्च की है। मेरा सुजानगढ़ क्षेत्र की समस्त जनता से ये अनुरोध है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी बालिकाओं को शिक्षा से महरूम नहीं रखें किसी भी आर्थिक स्थिति के चलते हुए। सुजानगढ़ की त्रिशला पब्लिक स्कूल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।